दिल्ली एक्सप्रेस पॉलिसी स्कैम की जांच और हियरिंग आए दिन काफी इंटेंस होती जा रही है, और वो भी तब से जब से दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो कि इस केस में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, आए दिन बेल की मांग करते हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इंटरिम बेल पर उन्हें कुछ दिनों की आजादी मिली थी, वहीं दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में जज न्याय बिंदु ने तो इस केस में एक हलचल पैदा कर दी जब उन्होंने दिल्ली चीफ मिनिस्टर को रेगुलर बेल ग्रांट कर दी। पर जहां अरविंद केजरीवाल इस बात से खुश भी होते हुए दिखाई दिए और चैन की सांस लेते हुए, वहीं उनकी चैन की सांस को डिस्टर्ब करते हुए ईडी ने तुरंत से इस ऑर्डर को चैलेंज किया और एक अर्जेंट बेसिस पर इस मामले को सुनते हुए जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने अरविंद केजरीवाल को दिए गए बेल ऑर्डर पर इंटरिम स्टे लगा दी है। जहां इस खबर से ईडी खुश नजर आई है, वहीं केजरीवाल बहुत ज्यादा गुस्सा और अब इस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच, जिसमें जस्टिसेस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी ने क्या कहा है आगे देखते हैं, और उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए ऑर्डर में ऐसी कौन सी बातें भी अजीब लगी है उसके बारे में भी जाना। ईडी की ओर से मौजूद होते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि ट्रायल जज न्याय बिंदु द्वारा ये ऑर्डर बिल्कुल खराब है और स्टेट किया था, देन देयर कांट बी अ मोर परवर्स ऑर्डर देन दिस विदाउट गोइंग थ्रू डॉक्यूमेंट्स फाइल बाय बोथ साइड्स, हाउ कैन यू से इट्स रेलेवेंट और नॉट रेलेवेंट। वहीं जस्टिस सुधीर जैन द्वारा इस मामले में फैसला रिजर्व कर लिया गया था, जिन्होंने कहा था कि ट्यूसडे यानी कि 25 जून को ये रिवील किया जाएगा, जिसके साथ ही जस्टिस जैन ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर द्वारा दी गई बेल पर एक इंटरिम स्टे लगा दी थी, जिसने देश में एक अलग ही तहलका मचा दिया है। इसी के खिलाफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जोर दिया कि भला ऐसा कैसे बिना जजमेंट दिए हुए इस मामले में एक इंटरिम स्टे लगाया जा सकता है, और वो भी हियरिंग के पहले ही दिन। सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए ही स्टेटेड, कॉन्ट्रेरी टू योर लॉर्डशिप एज ओल्ड वेल एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स दैट बेल ग्रांटेड इज डिफरेंट फ्रॉम बेल रिजेक्टेड, हाई कोर्ट हियर्स द मैटर एट द मेंशनिंग स्टेज itself and proceeds to hear us at length and then reserves order. Procedure of seeing bail on the first day and first challenge is unprecedented. सिर्फ यही नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा भी है कि इस पूरे मामले को दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने हियरिंग के पहले ही दिन जज कर लिया था और सुबह 10:30 बजे मैटर के लिस्ट होते ही उस पर स्टे लगा दिया था विदाउट गिविंग एनी रीजंस। सीनियर एडवोकेट सिंघवी स्टेटेड, वी हैड गिवन अ कंपाइलेशन ऑफ 10 जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट बेल वंस ग्रांटेड कैन नॉट बी स्टेड विदाउट स्पेशल रीजंस। हालांकि एएसजी एसवी राजू ने यहां पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी को पलट जवाब देते हुए कह दिया, व्हेन द ऑर्डर इज परवर्स इट कैन बी स्टेड। यहां पर हियरिंग और इंटेंस हो गई जब ईडी की ओर से मौजूद होते हुए एसजी तुषार मेहता ने भी ट्रायल कोर्ट की बेल ऑर्डर पर सवाल उठाए और कहा, द ऑनरेबल कोर्ट वाज अ वेकेशन जज फॉर 2 डेज टू फॉर्म द सेटिस्फैक्शन The court has to go through the record of the case. The court starts by saying it is a high profile case. The court records in the order who has the time to go through the record of the case. जहां ये सब arguments हो रहे थे, वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को इस केस की हियरिंग के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट का रवैया थोड़ा अजीब भी लगा था। जी हां, आपने सही सुना, सुप्रीम कोर्ट बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा इंटरिम स्टे देने पर कहा है, नॉर्मली ऑन स्टे एप्लीकेशंस ऑर्डर्स आर नॉट रिजर्व्ड, दे आर पास्ड एट द हियरिंग इटसेल्फ on the spot. So, it is a bit unusual. We will have it the day after. यहाँ पर आगे एएसजी से सवाल करते हुए जस्टिस मिश्रा ने पूछा, मिस्टर राजू, वी वुड लाइक टू नो इफ सेटिस्फेक्शन ऑन द ट्विन कंडीशंस ऑफ द बेल इन सेक्शन 45 पीएमएलए हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बेल ऑर्डर, जिसे एएसजी ने साफ मना कर दिया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बेंच को सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने समझाया कि कैसे बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस कम्प्लीटली उनकी ओर से है और इसके बावजूद भी कि उनकी बेल को डिनाई किया जा रहा है। ही स्टेटेड, इफ द बेल इज रिवर्स्ड ही विल सर्टेनली गो बैक टू जेल एज ही डिड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरिम बेल। सेकेंड पॉइंट, ही इज नॉट अ फ्लाइट रिस्क। यहाँ पर एक सवाल सुप्रीम कोर्ट बेंच से पूछते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा, सपोज द हाई कोर्ट डिसमिसेस ईडीज अपील, हाउ डज द लर्निड जज कंपनसेट फॉर द टाइम केजरीवाल लॉस। हालांकि यहाँ पर जस्टिस मिश्रा ने सिंघवी को समझाते हुए कह दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट के मुताबिक इस मामले में एक ऑर्डर 1-2 दिन में आ ही जाएगा, लेकिन इससे खुश नहीं होते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, व्हाई कांट आई बी फ्री इन द इंटरिम, आई हैव अ जजमेंट इन माई फेवर। पर उन्हें एक बार फिर से जस्टिस मिश्रा ने समझाते हुए कहा, इफ वी पास एन ऑर्डर नाउ वी विल बी प्रेजुडाइजिंग द इशू, इट इज नॉट अ सबॉर्डिनेट कोर्ट, इट इज अ हाई कोर्ट। पर मामला और इंटेंस हो गया जब केजरीवाल की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को खूब क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया एंड स्टेटेड, व्हेन द लिस्टिंग वाज अलाउड देयर वाज नो पेपर बुक, द इंप्यून ऑर्डर वाज नॉट इवन अपलोडेड, देन देयर वाज एन ओरल डायरेक्शन टू नॉट गिव इफेक्ट टू द बेल ऑर्डर। और यहीं पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने भी कहा, द हाई कोर्ट डिड नॉट वेट फॉर द ऑर्डर एंड स्टेज इट, इफ द हाई कोर्ट कैन स्टे इट विदाउट सीइंग द ऑर्डर, व्हाई कांट योर लॉर्डशिप स्टे द हाई कोर्ट ऑर्डर। लेकिन जस्टिस मिश्रा ने उन्हें पलट जवाब देते हुए कहा,
इफ हाई कोर्ट हैज कमिटेड अ मिस्टेक व्हाई शुड वी रिपीट। और इसके बाद जाकर सीनियर एडवोकेट चौधरी ने वापस से सुप्रीम कोर्ट बेंच को याद दिलाया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को इंटरिम बेल दी थी इस बेसिस पर कि वो एक फ्लाइट रिस्क नहीं है, कि इतनी अर्जेंटली मैटर्स लिस्ट हो जाते हैं और जिसमें पहले ही दिन एक फैसला सुना दिया जाता है। ईडी की ओर से मौजूद होते हुए एएसजी एसवी राजू का एक पॉइंट ये था कि ट्रायल कोर्ट में उन्हें अपने सारे पॉइंट्स रखने का मौका नहीं मिला है। ही स्टेटेड, टोटली 5 आवर्स ऑफ हियरिंग, मोर देन 3 आवर्स आर्ग्यूड बाय ईडी एंड रेस्ट बाय अस। दिस इज अ डिस्क्रिशनरी ऑर्डर पास बाय द ट्रायल कोर्ट फॉर अ पर्सन हु वाज रिलीज्ड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। जिसके बाद उन्हें 10 मई की कुछ ऑब्जर्वेशन को हाईलाइट किया है, जिसमें कि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल को बेल ग्रांट की थी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट केजरीवाल इज द दिल्ली चीफ मिनिस्टर, हैज नो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, इज नो थ्रेट टू अरेस्ट, दैट इन्वेस्टिगेशन वाज पेंडिंग सिंस अगस्त 2022 एंड वाज अरेस्टेड ओनली इन मार्च 2024। इस पॉइंट पर एएसजी एंड एसजी दोनों ने मिलकर कहा कि पीएमएलए का सेक्शन 45 जो कहता है दैट द ट्रायल कोर्ट व्हाइल कंसीडरिंग बेल इन मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हैज टू गिव अ प्राइमा फेसी फाइंडिंग दैट द कंसर्न्ड अक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी। ट्रायल कोर्ट के इस ऑर्डर से ये वॉयलेट हुआ है। और इसी बात को हाईलाइट करते हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा है द ट्रायल कोर्ट हैज नो डिस्क्रिशन इन दिस केस वेयर सेक्शन 45 पीएमएलए इज इन्वॉल्वड, कोर्ट हैज टू गिव अ प्राइमा फेसी फाइंडिंग दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। पैरा 15 ऑफ द ट्रायल कोर्ट ऑर्डर इज कॉन्ट्ररी टू सेक्शन 45 पीएमएलए। इन ग्रांटिंग बेल देयर इज नो डिस्क्रिशन, दिस पैरा इज रॉन्ग, देयर हैज टू बी अ फाइंडिंग दैट ही इज नॉट गिल्टी एंड देयर इज नो सच फाइंडिंग इन दिस केस। लेकिन इस बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हुए सीनियर एडवोकेट चौधरी ने कहा है द ईडीज एप्लीकेशन वॉज फाइल्ड विदाउट द ऑर्डर, हाउ कैन दे से द ऑर्डर हैज नो डिस्कशन, देयर आर 5 पैराज ऑफ डिस्कशन ऑन ट्विन कंडीशंस। जिन्हें इस मामले में सीनियर एडवोकेट सिंघवी का सपोर्ट मिला, हु स्टेटेड that the court has recorded all contentions and a discretionary order is passed in a broad manner. इतने intense arguments देखने के बाद Supreme Court bench ने सिंघवी को कहा कि वे इस केस को next अब 26 जून के लिए लिस्ट करने का सोच रहे हैं और तब तक इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट अपना ऑर्डर रिवील कर दे। लेकिन इस आइडिया से सीनियर एडवोकेट सिंघवी खुश नहीं दिखे, जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सजेस्ट करते हुए कहा मिस्टर सिंघवी व्हाट वी प्रपोज टू डू इज वी विल फिक्स अ डेट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, लेट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कम ऑन रिकॉर्ड, विदाउट द ऑर्डर ऑन रिकॉर्ड वी कांट डू एनीथिंग। और इस बात से एसजी ने एग्री किया और कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट को प्रेशर करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल केस ही नहीं है। और अंत में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ऑर्डर स्टेट करते हुए कहा द इंटरिम ऑर्डर वुड रिवील दैट पार्टीज आर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू फाइल शॉर्ट सबमिशंस बाय जून 24। एएसजी सबमिट्स दैट द ऑर्डर ऑन द स्टे एप्लीकेशन वुड बी पास शॉर्टली and it would be appropriate if this court adjourns the matter so that there is an opportunity to see the order. तो देखते हैं कि अब जाकर सुप्रीम कोर्ट बेंच इस मामले में अगले दिन क्या फैसला ले सकती है और दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट अंत में किसके फेवर में रहता है। टिल देन की फॉलोइंग लॉ चक्रा।